हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस और मर्डर की। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता की उस खौफनाक रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त की रात एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, ये एक साजिश थी जिसके रहस्यों की परतें अब तक नहीं खुल पाई हैं। मामले की शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के एक सिविल वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया। आरोप गंभीर थे, बलात्कार और हत्या। लेकिन संजय की गिरफ्तारी के बावजूद मामला सुलझने की बजाय उलझता चला गया। संजय ने पहले पुलिस पूछताछ में आरोप कबूल किया, लेकिन सीबीआई जांच और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। सवाल ये था, सच क्या है और झूठ क्या? सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, सबूत इकट्ठे किए गए, मृतका के शरीर से मिले नमूने, कपड़े, कंबल और नाखूनों के साक्ष्य। मगर हर जांच के बाद मामला और पेचीदा होता चला गया। यहां तक कि कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच मतभेद उभरने लगे। अंत में सबूतों को एम्स भेजा गया, लेकिन फिर भी असली गुनहगार तक पहुँचना मुश्किल बना रहा। इस घटना ने कोलकाता और पूरे देश को झकझोर दिया। शहर शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। रिक्लेम द नाइट जैसे अभियान चलाए गए, जिनमें हजारों लोग मोमबत्तियां जलाकर न्याय की मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने खुद भी इस घटना पर शोक जताया और राजभवन की लाइटें बंद कर अपनी एकजुटता दिखाई। इस बीच ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठने लगे। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सरकार की विफलता पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, जिससे राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। क्या संजय राय ही असली गुनहगार है या इस साजिश के पीछे कोई और छुपा हुआ चेहरा है? इस एक महीने की कहानी में हर दिन एक नया मोड़ आता है, हर रहस्य को और गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला सुलझेगा या फिर ये भी उन अनसुलझे रहस्यों में से एक बनकर रह जाएगा जिनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। कोलकाता की इस घटना ने न केवल न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज के उन काले सचों को भी उजागर किया है जिससे आंखें मूंद लेना आसान नहीं। तो दोस्तों, इस अपडेट में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगला अपडेट हम जल्द आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।